हेलो एवरीवन बेटा, जैसे कि आपको पता है कि हमारा 10th क्लास का जो सिलेबस है उसके अंदर फिजिक्स का पोर्शन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो हम उस फिजिक्स के पोर्शन की आज डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। और मैं उम्मीद करूंगा ये आप लोगों के बोर्ड क्लासेस के लिए और नॉर्मल किसी भी कंपटीशन एग्जाम में हेल्पफुल होगी। तो हम स्टार्ट करते हैं बेटा फ्रॉम वेरी फर्स्ट चैप्टर, दैट इज अवर इलेक्ट्रिसिटी। फर्स्ट चैप्टर के डिस्कशन में बेटा जब हम इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ते हैं तो सबसे फर्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है वो है इलेक्ट्रिक चार्ज। फर्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या आएगा, दैट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। अच्छा, इलेक्ट्रिक चार्ज का डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले एक पॉइंट बताओ बेटा आप मेरे को कि जब भी किसी बॉडी का हम वेट की बात करें तो जिस बॉडी का जितना ज्यादा मास होगा उतना ही उसका वेट होता है। तो एक टाइप से कह सकते हो मास किसी बॉडी की वो प्रॉपर्टी है जो क्या डिसाइड करती है, उस बॉडी का वेट डिसाइड करती है। इसी तरीके से हमारे पास हम किसी बॉडी के टेम्परेचर की बात करें वो उस बॉडी की हॉटनेस या कोल्डनेस डिसाइड करता है, टेम्परेचर प्रॉपर्टी हो गई। इसी तरीके से इलेक्ट्रिक चार्ज हमारी वो प्रॉपर्टी है, इट इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी। कौन सी प्रॉपर्टी, जिसकी वजह से ड्यू टू विच द बॉडी प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फोर्स, जिसकी वजह से क्या प्रोड्यूस करे, इलेक्ट्रिक फोर्स प्रोड्यूस करे या इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करती है, उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इट इज दैट प्रॉपर्टी ड्यू टू विच द बॉडी प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है बेटा? तो ये हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज हो गया। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज का सिंबल हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज को आप कैपिटल क्यू या कहीं पे आपको ये स्मॉल क्यू की फॉर्म में लिखा मिलेगा। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं बेटा, इलेक्ट्रिक चार्ज की जो प्रॉपर्टीज हैं उनका डिस्कशन करेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या क्या क्वालिटीज क्या क्या प्रॉपर्टीज रखता है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी मैं डिस्कस करूंगा। फर्स्ट प्रॉपर्टी में हम बात करेंगे कि एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव। आपने टू टाइप का चार्ज पढ़ा है उसी को हम पॉइंट बना के लिखते हैं, चार्जेस आर ऑफ टू टाइप्स। कितने टाइप्स के हुए, टू टाइप्स के। फर्स्ट वन पॉजिटिव एंड सेकेंड वन नेगेटिव। सेकेंड कैसा चार्ज हुआ बेटा, नेगेटिव चार्ज हुआ। उसके बाद अब मैं एक पॉजिटिव चार्ज के पास एक पॉजिटिव चार्ज को लेके आता हूं तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। क्या करेंगे, रिपेल करते हैं। इसी तरीके से पॉजिटिव चार्ज के पास एक नेगेटिव चार्ज लेके आओगे वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो यहां से हमारे पास निकल के आया कि लाइक यानी एक जैसे, जैसे हमने पॉजिटिव पॉजिटिव की बात की थी, लाइक चार्जेस क्या करेंगे बेटा, रिपेल इच अदर एंड अनलाइक चार्जेस, अट्रैक्ट इच अदर। अनलाइक चार्जेस क्या करेंगे बेटा, अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को। थर्ड पॉइंट पे आते हैं बेटा, थर्ड प्रॉपर्टी हमारी जो चार्ज की बनती है वो है एडिटिविटी। क्या कर रहे हो, भी हमारे पास एक बॉडी है या एक सिस्टम है, उस बॉडी पे एक से ज्यादा चार्ज प्रेजेंट हो जाए तो बॉडी का जो टोटल चार्ज होगा वो किसके इक्वल होगा, उस बॉडी पे जितने भी चार्ज हैं उन सभी के टोटल सम के इक्वल। तो थर्ड प्रॉपर्टी आती है हमारे पास एडिटिविटी ऑफ चार्ज। थर्ड प्रॉपर्टी क्या आएगी, एडिटिविटी ऑफ चार्ज।
ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी, अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी टोटल चार्ज ऑन ए बॉडी और सिस्टम, टोटल चार्ज ऑन ए बॉडी और सिस्टम इज इक्वल टू, इसके इक्वल होगा बेटा, इक्वल टू द सम ऑफ ऑल द चार्जेस, सम ऑफ ऑल द चार्जेस प्रेजेंट ऑन द बॉडी, उस बॉडी में जितने भी चार्ज हैं उन सभी के सम के इक्वल, और सिस्टम। बट आपको एक चीज ध्यान रखनी है, वो क्या कि वो आपको जो एडिशन करना हो विद प्रॉपर साइन होना चाहिए, क्या होना चाहिए बेटा, विद प्रॉपर साइन। इस बात को हम समझते हैं कि एग्जाम्पल के थ्रू, तो इस बात को हम एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ेंगे। तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं और पहले इसको मैथमेटिकल फॉर्म डिस्कस कर लेंगे। लेट क्यू वन क्यू टू क्यू थ्री एंड क्यू एन आर द चार्जेस प्रेजेंट ऑन ए बॉडी, ये देख दिखा दिया बेटा हमने, क्यू वन क्यू टू क्यू थ्री और यहां पे हमने क्यू वन ले लिया। देन इट्स टोटल चार्ज, जो बॉडी का टोटल चार्ज है वो किसके इक्वल होगा, उन सभी के सम के इक्वल, क्यू वन प्लस क्यू टू प्लस क्यू थ्री अप टू क्यू एन। एक बात आप यहां ध्यान रखेंगे, जो आपको क्यू यूज करना है वो विद प्रॉपर साइन, क्या होना चाहिए, विद प्रॉपर साइन उसको यूज करना है। यहां तक क्लियर है बेटा? नेक्स्ट एक एग्जांपल से समझाते हैं। जैसे लेट क्यू वन हमने ले लिया प्लस टू कूलम, क्यू टू है हमारे पास प्लस सेवन कूलम, क्यू थ्री ले लेते हैं कोई भी वैल्यू ले लो आप माइनस थ्री कूलम, क्यू फोर प्लस वन कूलम, ये चार चार्ज आपने ले लिए। तो यहीं पे ले लेता हूं मैं, क्यू वन को हमने लिया प्लस टू कूलम, क्यू टू कितना लिया आप लोगों ने प्लस सेवन कूलम, क्यू थ्री हमने लिया था माइनस थ्री कूलम, क्यू फोर की बात कर लेते हैं प्लस वन कूलम। तो टोटल चार्ज कितना आएगा? देन क्यू क्या बताया था बेटा, क्यू वन प्लस क्यू टू प्लस क्यू थ्री प्लस क्यू फोर विद साइन, क्यू वन का साइन देखें आप प्लस टू कूलम, क्यू टू का कितना है प्लस सेवन कूलम, क्यू थ्री का देखो कितना हमारे पास माइनस थ्री कूलम और क्यू फोर का है प्लस।